कानपुर शहर में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी चिंतित है। तो वहीं लगातार हॉटस्पॉट इलाकों में और भी सख्ती बरतते हुए लोगों के चेकअप कराए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ शहर के लोग लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे और खुलेआम सड़कों पर घूमते हुए दिख रहे हैं, जो कि काफी खतरे का सबब बना हुआ है। ऐसे में लोगों को समझाने के लिए अब भाजपा के किदवई नगर के विधायक महेश त्रिवेदी ने एक अनोखी पहल की। भाजपा विधायक ने लोगों को जागरूक करने के लिए राक्षस रूप में कोरोना का भेद धरण किए हुए व्यक्ति तैयार कराकर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन शुरू कराया, जिसे शहर के विभिन्न इलाकों और गली कूचे में लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए भेजा गया। ऐसे में कोरोना का राक्षस रूप धारण करके लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि वह अपने घरों में ही रहें। कोरोना के रूप में चल रहा राक्षस लोगों को यह बता रहा है कि वह लोगों के पास खुद नहीं जाता, बल्कि जो उसके पास आता है वह उसके साथ स्वयं ही चल देता है और उसके बाद उसके पूरे घर परिवार को अपनी चपेट में ले लेता है। इसलिए आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि आप सभी अपने घरों में ही रहें, नहीं तो आपको कोरोना के शिकार से कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं विधायक महेश त्रिवेदी की माने तो उनका कहना है कि लगातार प्रशासन लोगों से सख्ती बरतते हुए शांति से भी घरों में रहने की अपील कर रहा है, मगर लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसको देखते हुए आज उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा पूरी विधानसभा में हर गली मोहल्ले में चलते चलते इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, जिससे लोगों को इस गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी होगी। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये नुक्कड़ जो नाटक है जो मिश्रा जी हमारे कर रहे हैं, ये रोड में चल के लोगों को अलर्ट करेंगे कि, और खड़े भी नहीं होंगे और न कहीं भीड़ लगाएंगे, केवल ये संदेश देंगे कि जो सरकार चाहती है उसका हम सब लोग मिलकर पालन करें और जो COVID-19 है उसको जो है कि उससे कैसे हम लोग चैन को तोड़ें और लॉकडाउन का जो है पालन करें, अपने घरों में सुरक्षित रहें। और रमजान का भी महीना है, परशुराम जी का भी महीना है, ये कल है, जयंती है, और इधर रमजान भी आ रहा है। तो सभी वर्ग के लोगों से हमारी अपील है कि अनुशासन में चलें और जान है तो जहान है। देश के लिए तुमको लड़ना है, अपने सत्ता के लिए लड़ना है, तो तुमको समय मिलेगा तभी तो लड़ोगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गलत फहमी में न रहो कि ये किसी को बचा देगा, इसका कोई सगा नहीं, चाहे महेश त्रिवेदी ही क्यों ना हो। इसलिए अनुशासन में रहें सब लोग, यही हमारी प्रार्थना के लिए कि पैदल मार्च के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए। हम कहीं पर भीड़ नहीं लगा सकते, हम कहीं पर किसी को इकट्ठा नहीं कर सकते। हम सभी से ये अपील करते हैं कि अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे। सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, साबुन का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बेवजह एक तो घर से निकले ना, किसी जरूरी कारण से हम बाहर निकलते भी हैं, तो सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें।